सर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए और अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए। बताया कि प्रेम सहगल जी के जो नाती हैं वो शाद अली है, मतलब अगर प्रेम सहगल नहीं होते और ये आईने नहीं होता तो शायद बंटी बल्ब ना बनती। आपके तरफ सबसे पहले तो बधाई की ऐसे अनटोल्ड चीजें सिनेमा में सामने आ रही है। हमने लिखा हुआ है कि ये किस किताब से या इंटरव्यू से हमको ये फैक्ट्स मिले हैं, लेकिन कहीं कहीं जो कि बहुत इंडिविजुअल सीन है, अगर चाय पी रहे हैं प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन तो उन दोनों में जो बात हुई है उसका कोई हिस्टोरिकल कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन ऐसे जो जैसे प्राइवेट मोमेंट्स है उनमें हमने सिनेमैटिक लिबर्टी ली है जी। एक चीज और है कि फिल्में अगर आइडिया है तो ये वास्ता जो है सब्जेक्ट से वास्ता आपका पहली बार कब हुआ या ये प्रोजेक्ट के तौर पे यहाँ पे पाता है? नहीं, मैं इतिहास का सुन रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ, मैं जुडिशरी मेरे पूरे खानदान के खून में दौड़ती है, इसलिए आईएनए ट्रायल्स के बारे में मैं बचपन से जानता था। और जब सपन साहब मुझसे मिले दिल्ली में उन्होंने बोला तो मैं लपक के मैंने बोला कि ये मैं ही करूंगा और कोई कर भी नहीं पाएगा इसको। हाँ, क्योंकि बारिश हो रही है तो हमने सोचा कि इंटीरियर से शुरू करें, तो ट्रायल के लिए ये ट्रायल का ये सेट है जहाँ पे कोर्ट मार्शल हुआ था, जनरल कोर्ट मार्शल, तो यहाँ पे है कुछ इंटीरियर बॉम्बे में करेंगे 20 दिन का शेड्यूल है, फिर अक्टूबर में हम लोग आउटडोर जाएंगे। ये तो बहुत बिल्कुल शेयर करता हूँ, और हमने स्क्रिप्ट लिखी, बहुत रिसर्च किया, मेरे दोनों राइटर फ्रेंड्स हैं, मैं बुलाना चाहूंगा प्रमोद सिंह और धर्मेंद्र ओझा को, आप लोग हम सब ने मिलकर ये स्क्रिप्ट लिखी, बहुत रिसर्च किया इन लोगों ने, इन लोगों ने मुझसे ज्यादा रिसर्च की है। लेकिन अपने डायरेक्टर फ्रेंड्स, अगर जैसे मैंने विशाल को फोन किया था ये पूछने के लिए कि बिकॉज विशाल ने अभी अभी अपनी फिल्म बनाई है रंगून, जो कि इसी वक्त की फिल्म है, विशाल इसी टाइम की फिल्म है, तो मैंने विशाल से पूछा लोकेशन के लिए, यार तुम वहां गए थे, नॉर्थ ईस्ट गया था, वहां पे क्या सुविधाएं हैं, किस तरह टेरेन है, किस किस्म का क्लाइमेट है, तो विशाल ने मुझे बताया था कि हम लोग डिसाइड करेंगे वहां जाना नहीं जाना, तो अगर इस तरह की कोई चीज होती तो बिल्कुल करते। शाद से मैंने पूछा बिकॉज शाद के तो नाना जी थे प्रेम सहगल की, क्या क्या प्राइवेट मोमेंट्स थे, तो अब शाद की भी अगली फिल्म शायद यही होने वाली है, अपने नाना नानी की लव स्टोरी बनाएंगे ये जल्दी। देखिए ऐसा है कि तिग्मांशु के काम का मैं बहुत इज्जत करता हूँ एंड साथ में काम भी किया है हम लोगों ने, लाइक दिस वर्क, बड़ी खुशी है कि सबसे पहले कि इन्होंने ये सब्जेक्ट चूज किया है एंड करेक्ट डायरेक्टर भी चूज किया है, तो इसके लिए मैं दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा गुरदीप सिंह जी को एंड तिग्मांशु जी को। और मेरी अपना मेरी इच्छा भी है कि लोग भी इसको सराहें और करेक्ट तरह से पब्लिसिटी करके लोगों तक पहुँचे। लेजेंड ऑफ भगत सिंह भी अनफॉर्चुनेटली 2-3 भगत सिंह साथ साथ बन गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अटेंशन मिलना चाहिए फिल्म को वो नहीं मिल पाए, लेकिन जिन लोगों ने देखी उन लोगों ने काफ़ी पसंद की है, स्कूल्स में भी दिखाए गए, अलग अलग जगह भी दिखाए गए लोगों ने, बट स्टिल आई फील उस फिल्म को इंसाफ नहीं हुआ, फिल्म के साथ इंसाफ नहीं हुआ। मैं चाहूँगा, मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस फिल्म के साथ इंसाफ हो, क्योंकि ऐसी फिल्में बनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि नए जनरेशन नए लोगों को आजकल के जो पीढ़ी है उनको समझना चाहिए कि आज़ादी जो हासिल हुई है इसके पीछे किस तरह की कुर्बानियाँ लोगों ने दी है, क्या क्या सेक्रीफाइसिस किए हैं। तो मेरी दिली मुबारकबाद इन दोनों को, गुरदीप सिंह जी को, तिग्मांशु को, ये सब्जेक्ट चूज करने के लिए, और मेरी प्रार्थना है आवाम से, मीडिया से, कि इसके बारे में बेहतरीन से बेहतरीन लेख लिखे ताकि लोगों में इतनी दिलचस्पी पैदा हो कि ये टेलीकास्ट होने से पहले या रिलीज होने से पहले लोग इकट्ठे हो जाए, भीड़ आ जाए पिक्चर देखने के लिए। जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ तो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैं तिग्मांशु सर के साथ बहुत समय से काम करना चाह रहा था, और जब मैंने पूरी कहानी सुनी, बहुत बहुत अच्छी दुख की बात है कि मेरी जो जनरेशन है उसको ये कहानी पूरी डिटेल में पता नहीं है। मतलब मुझे पता है कि आज़ाद हिंद फौज थी, मुझे पता है कि कहानी के बारे में लगभग थोड़ा बहुत पता था, लेकिन जिस डिटेल में पता होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं पता था, और मुझे लगता है बहुत दुख की बात है कि हमारी जनरेशन को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। और मेरा होप है कि इस पिक्चर के थ्रू लोगों को पता चले कि क्या क्या कुर्बानियाँ हुई और क्या कितना बड़ा पार्ट था उनका इन तीनों किरदारों का, और
इन तीनों कैरेक्टर्स का, और जो पूरी आज़ाद हिंद फौज है उनका कितना बड़ा पार्ट था हमारी आज़ादी में, तो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है। और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि रंग दे बसंती का जो कैरेक्टर था उससे बिल्कुल अलग कैरेक्टर है और उसका अप्रोच भी बिल्कुल अलग होगा। पुरानी याद, आई मीन जब ये पिक्चर ऑफर हुई ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट थी। एक तो मैं तिग्मांशु सर के साथ बहुत समय से काम करना चाह रहा था और मुझे मौका मिला इसके साथ, और दूसरी बात ये थी कि ये हमारी हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये जो INA ट्रायल हुए थे रेड फोर्ट में और जो उसके पहले जो वॉर हुई थी, और बहुत दुख की बात है कि हमारी जो जनरेशन है इसके बारे में बहुत कम जानती है, और मेरा होप है कि ये पिक्चर के थ्रू लोग इसके बारे में जाने कि किस तरह की सैक्रिफाइसेस इन लोगों ने किए थे हमारे देश की आज़ादी के लिए। और जो बहुत अच्छी बात है स्क्रिप्ट की वो ये है कि बहुत एंटरटेनिंग है, हमारी हिस्ट्री के बारे में है ऑफ कोर्स, लेकिन साथ ही बहुत ही एंटरटेनिंग पिक्चर है, कोर्ट रूम ड्रामा है, वॉर फिल्म है, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। फ्रीडम फाइटर की को आप निभाएंगे स्क्रीन के आगे, तो हमने अपनी तरफ से जितनी रिसर्च कर सकते हैं, जितनी हिस्ट्री अवेलेबल है, जितने लोग इनके बारे में जानते हैं उनके साथ बैठ के हमने जितना टाइम स्पेंड कर सकते थे हमने किया, हमने जितनी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते की। सो जो द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग इज़ प्रेम सहगल, वो इंडियन नेशनल आर्मी के एक हिस्सा थे, और जब ब्रिटिश को हिंदुस्तान से भगाने का उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ था। सो इट्स बीइंग अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का एक पार्ट होना आई थिंक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे मेरे करियर के इतने अर्ली स्टेज में ये अपॉर्चुनिटी मिली। सो थैंक्स टू तिग्मांशु सर दैट एंड मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि प्रेम सहगल को जैसा दिखाना चाहते हैं, जैसा दिखाना चाह वैसे ही दिखाना चाहूँगा। इट इज़ एक बहुत नई चीज़ है, क्योंकि हमें एक रियल लाइफ कैरेक्टर को निभाना वर्सेस एक कैरेक्टर क्रिएट करना जो फिक्शन हो, उसमें बहुत फ़र्क आता है, बिकॉज आपको जितने फैक्ट्स और जितनी रियलिटीज़ और जो एक्चुअली चीज़ें हो चुकी हैं उनको ढूंढ के लाना पड़ता है और फिर उनको रिक्रिएट करना पड़ता है। तो मज़ा आएगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि जो शूटिंग शुरू हो बस लंच के बाद, एंड गेट इन टू द मूड। लगता है कि हम लोग ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाते, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, बट क्योंकि अब और ये जो दौर है 1950 का, आई थिंक इट्स ऑल्सो अ मॉरल ड्यूटी ऑफ फिल्म मेकर्स एंड इन इंडस्ट्री टू मेक सच फिल्म्स, कि जो लोग पैदा हो रहे हैं आज इस दौर के लोगों को पता तो चले कि ये जो आज़ादी है इस देश में कैसे मिली, किन लोगों ने क्या सैक्रिफाइसेस किए, फैमिलीज ने। सो आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग, एंड मेरा जो कैरेक्टर भी है गुरबख्श ढिल्लो का, बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है, बहुत ही दिलदार आदमी था, एंड सो जस्ट वेरी एक्साइटेड ऑन दिस न्यू जर्नी। आई होप इट्स गुड, आई होप यू ऑल कैन परफॉर्म वेल। एंड यार सबसे बड़ी चैलेंज तो मेरे लिए ये है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत ठेठ पंजाबी बोलता था क्योंकि वो पिंड का था, सो कुछ सीन्स हैं फादर के साथ जहाँ पे प्रॉपर पंजाबी लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा, एंड देन बॉडी लैंग्वेज है, हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हम लोग की बॉडी लैंग्वेज बड़ी कूल और पिज्ज़ा कोको कोला हो चुके हैं हम लोग, सो वापस लस्सी और भैंस के दूध पे जाना पड़ेगा। सो बॉडी लैंग्वेज एंड बट द अमेजिंग थिंग इज दैट तिग्मांशु दुली इज अ ग्रेट डायरेक्टर। बॉडी लैंग्वेज के अलावा लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, सो या इट विल बी अ चैलेंज, बट आई थिंक फॉर एन एक्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू नीड अ चैलेंज, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। नहीं, अब सुल्तान आ रही है 3 दिन में, सो उसमें भी एक सरप्राइज है, फिर मैं भी एक सरप्राइज हूँ, एंड यारा आ रही है, रनिंग शादी आ रही है, कुछ फिल्में हैं जो काफ़ी वक्त से शूट कर ली हैं, एंड आई होप दे विल रिलीज एंड पीपल विल गेट टू सी मोर ऑफ मी एंड माई वर्क। हाँ, ये जो फिल्म है इसका नाम है राग देश, और ये सुभाष चंद्र बोस और उनकी बनाई हुई आज़ाद हिंद फौज, और उस आज़ाद हिंद फौज पे जो ट्रायल हुआ, जो जनरल कोर्ट मार्शल हुआ लाल किले में, इन सारे मुद्दों पर है ये, तो हिस्टोरिकल है और इसके बहुत सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं नेट पे, किताबों में, तो मेरी और मेरी पूरी टीम ने कुछ 8-9 महीने की रिसर्च की
और उसके बाद हमने स्क्रिप्ट ली, तो हम लोग बहुत ज़्यादा वी आर वेरी ट्रू टू व्हाट रियली हैपेंड। और हमने तो हमारी एक अलग से हमने स्क्रिप्ट बनाई हुई है जिसके हर सीन में लिखा हुआ है कि भाई ये वाला सीन हमने किस किताब से और किस पन्ने से उठाया है, कि कहीं कल खड़ा होकर बोले भाई आपने तो हम उसको बता सकते भाई ये है। पर कहीं कहीं हमने कहीं कहीं सिनेमैटिक लिबर्टीज ली हैं जहाँ वो पर्सनल मोमेंट्स हैं, कहीं भाई कोई किरदार चाय पी रहा है किसी के साथ, तो ये कहीं हिस्टोरिकली किताब में तो लिखा नहीं कि चाय पीते हुए क्या बात हुई थी, और उन उन मोमेंट्स पे हमने थोड़ा इमोशनल और ड्रामेटिक करने की वहाँ वहाँ कोशिश की है, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं जो प्लॉट पॉइंट्स हैं उसमें हम एकदम सच्चे हैं। बजट अच्छा है, मैं बजट बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन अच्छा खासा बजट है और लैविश फिल्म है, और इंडियन आर्मी से हमने परमिशन ली है, अक्टूबर में हम एक 40-45 दिन का बड़ा सा आउटडोर करेंगे जिसमें वॉर सीक्वेंसेस होंगे। तो वैसे ये कहना गलत था कि अगर एक्चुअली मैं बताऊं, अगर आपको वॉर पे फिल्म बनानी है तो इतने पैसे की ज़रूरत होती नहीं, अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस परमिशन दे देती है तो फिर वो सारी चीज़ें आर्मी ही करती है, तो ऐसा नहीं कि आर्मी फिल्म बनाए तो बहुत ज़्यादा पैसे की खर्च, ज़्यादा पैसा तो यहाँ हमारे यहाँ एक्टर्स ले जाते हैं। ओके, मेरा मैं उस मुद्दे पर नहीं हूँ कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ कैसे हुई थी, वो जिंदा थे कि नहीं थे, ये वो मेरी टेरिटरी नहीं है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि वाकई में सुभाष चंद्र बोस ने किया क्या था, लोग सिर्फ इसी बारे में इंटरेस्टेड थे मरे कि नहीं आ रहे, जब जिंदा थे तब उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में तो लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में कोई तो बात करता नहीं है, हम बात कर रहे हैं। वो लोग इस्टेब्लिश हो चुके हैं, तभी तो ऐसा मौका मिला है, ऊपर वाले ने मौका दिया है कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊँ जिसमें मैं अच्छे नए कलाकारों को मौका दूँ, तभी तो ये नए लोग आएंगे, तो फिर नए चेहरे हैं और भी लोगों को उनके साथ काम करने का, इरफान, नवाज, मनोज, ये तो इस्टेब्लिश बड़े एक्टर हो ही चुके हैं। अब तो तख लिया, शुक्रिया, थैंक यू सर।